राजस्थान, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जैसलमेर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी, बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास आर्मी हेलीपैड पोखरण पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आप आ रही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। 1:45 से 3:15 तक वो युद्धाभ्यास को देखेंगे। तो आज तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज साक्षी बनेंगे। तो आज राजस्थान के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राजस्थान जब वो पहुंचेंगे तो उनका सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा स्वागत करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता सावलदान टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सावल, जरा बताइएगा, पीएम के आज पीएम राजस्थान पहुंच रहे हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:00 बजे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगे, जहां सुबह के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे। फिर 1:45 पर वो युद्धाभ्यास देख रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण पहुंचेंगे। वहां पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में 1:45 से 3:15 तक तीनों सेनाओं का त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास के साक्षी बनेंगे। उसके बाद से फिर वो जो तीनों सेना के प्रमुख है उनसे मुलाकात करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में संवाद का भी कार्यक्रम है। शहीद जिले जैसलमेर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार भाजपाओं में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उत्साह का माहौल देखने को मिला। जी, न सिर्फ जैसलमेर के लिए सावलदान, बल्कि आज पूरे राजस्थान के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि तीनों जो हमारी ताकत है सैन्य की, वो तीनों ताकत आज जैसलमेर में दिखाई देंगी एक साथ। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जहाँ 1998 को परमाणु परीक्षण हुआ था। उसी फील्ड फायरिंग रेंज में ही तीनों सेनाओं का सामूहिक युद्धाभ्यास होगा, जिसको देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पोखरण पहुंच रहे हैं, जिनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, केंद्रीय मंत्री है, विधायक है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, एज कार्यकर्ता भी वो कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सावल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री आज जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो पीएम अहमदाबाद से रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट का, बताया जा रहा है, लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास पोखरण फायरिंग रेंज सीएम जाएंगे और प्रधानमंत्री पोखरण में सेना युद्धाभ्यास का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद सीएम पोखरण से सीधे ही, बताया जा रहा है, कि निम्बाहेड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, और निम्बाहेड़ा में ही सीएम भजनलाल शर्मा रात्रि विश्राम भी करेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर से पहुंचा रहे मुख्यमंत्री आज जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम पहुंचने का है। तो पीएम अहमदाबाद से रेलवे के कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, ऐसी जानकारी है। दोपहर 2:30 बजे पोखरण फायरिंग रेंज जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पोखरण में सेना का युद्धाभ्यास देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, जिसके बाद सीएम पोखरण से सीधे ही वहां अवलोकन करने के बाद निम्बाहेड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जैसलमेर दौरे पर आज सीएम है, किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उनका पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि आज का रहने वाला क्या है। आज राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी भी है, जिसको देखते हुए आज का दिन बेहद खास है। पीएम अहमदाबाद से रेलवे के कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। तो आज राजस्थान के लिए बेहद खास दिन, तीनों सेनाओं में युद्धाभ्यास देखा जाएगा। और आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, खास मौका राजस्थान के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे, क्या तैयारियां मुख्यमंत्री की ओर से? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है। दरअसल वो आज दो स्टेट का दौरा करेंगे। सबसे पहले उनके दौरे में गुजरात और फिर राजस्थान शामिल है।
जाएंगे आज जैसलमेर के पोखरण, पोखरण के अंदर एक सैन्य अभ्यास का कार्यक्रम है और वहां पर उस अभ्यास को देखेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनके साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ वो लगभग 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे से जुड़ी घोषणाएं करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आज देश को 10 वंदे भारत की सौगात मिलना। आज एक साथ 10 वंदे भारत जो है वो रिलीज की जाएंगी। इसके अलावा रेलवे से जुड़े दूसरे कामों को लेकर जो बजट है उसकी घोषणा की जाएगी और आज जयपुर को भी एक नई वंदे भारत मिलने जा रही है। ये वंदे भारत जो है वो चंडीगढ़ तक जाएगी जयपुर से। पहले से ये वंदे भारत अजमेर और दिल्ली के बीच में चलती थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया गया, इसे बढ़ाकर चंडीगढ़ तक किया गया। तो ये सारा कार्यक्रम रहेगा और इसमें जो है वो अलग अलग रूट के ऊपर अलग अलग वंदे भारत है, जिसमें से एक जयपुर की वंदे भारत भी शामिल है। प्रियंका, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर है, पीएम अहमदाबाद से रेलवे के कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे और राजस्थान के लिए बेहद ही खास दिन है, आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। दिल्ली का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है, बीजेपी आज बताया जा रहा है कि अपनी दूसरी लिस्ट राजस्थान के लिए जारी कर सकती है और सूत्रों के हवाले से वक्त की बड़ी खबर ये कि उम्मीदवारों के नाम आज जो है घोषित किए जाएंगे। तो राजस्थान की बची हुई सीटों पर भी ऐलान संभव है, पहले ही 15 सीटों पर राजस्थान के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कुल 10 सीटें राजस्थान में अभी बाकी है और माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में जो 10 सीटें बची हुई हैं उनका भी ऐलान किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है, कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आज जो बीजेपी की जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में अन्य जो सीटें हैं उनकी घोषणा की जाएगी आम चुनाव को देखते हुए, और इसमें राजस्थान के लिए बेहद अहम इस वजह से भी कि 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बीजेपी की तरफ से बाकी रह गया है और इन 10 सीटों पर मंत्रणा जो है लगातार चल रही थी। माना जा रहा था कि काफ़ी चिंतन मंथन के बाद ही बीजेपी इन 10 सीटों पर कोई फैसला जो है वो लेगी और ऐसा ही नजर आया। बताते चले कि आज जो है बीजेपी बताया जा रहा है अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी और संभवतः जो राजस्थान की 10 सीटें बची हुई हैं उन पर भी आज प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दिल्ली से शिवम प्रताप जुड़ चुके हैं। शिवम, आज बैठक है बीजेपी की, बताइए बैठक से जुड़ी कुछ जानकारी। हाँ जी प्रियंका, विनीत बोल रहा हूँ मैं एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों को लेकर के मंथन हुआ। मुख्यतः अगर हम बात करें तो इन 7 राज्यों को लेकर के मंथन हुआ, राजस्थान को लेकर के बहुत ज्यादा मंथन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत संभव है क्योंकि राजस्थान को लेकर के पहले भी मंथन हुआ था तो बहुत संभव है कि राजस्थान की सीटों को भी जो केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसे जो है आज पार्टी जारी कर सकती है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और तमाम राज्यों की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें टिकटों को लेकर के मंथन हुआ। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ बिहार को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, गुजरात को लेकर के, इन सीटों को लेकर के मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ। और उसके बाद जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इन राज्यों की जो सीटें हैं उन्हें बीजेपी आज डिक्लेयर कर सकती है। तो तमाम जो चेहरे हैं उनको लेकर के एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें मैं जो कई ऐसे भी राज्य थे जहां पर गठबंधन जो है वो तय करना था। बिहार की बात करें वहां पर जेडीयू के साथ गठबंधन जो है या फिर अन्य पार्टी है उनके साथ भी जो गठबंधन है वहां पर वो उसको भी चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की स्थिति है, कर्नाटक में भी जेडीएस के साथ गठबंधन है, तो तमाम ऐसे राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई जहां पर गठबंधन वाले राज्य हैं। लेकिन
लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हालांकि वहां पर मैं पहली बार में जब केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई थी वहां पर राजस्थान को डिस्कस किया गया था, राजस्थान के बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई राजस्थान के नेता जो है वो मौजूद नहीं थे। बहुत संभव है कि जो राजस्थान के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा जो है वो अभी ना हो, लेकिन हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने पहले निर्णय ले लिया था उसको अब होल्ड पे रख रखा। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, अब देखना होगा कि मंथन के बाद क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है और कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। कांग्रेस सीसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से खबर है कुल 13 सीटों पर चर्चा की गई है। तो जालौर सिरोही सीट से बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत का नाम जो है बिल्कुल फाइनल हो चुका है। सीकर सीट पर कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने निकल कर आ पा रही है कि विचार जो है वो इस सीट पर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो लेफ्ट के साथ गठबंधन कर ले। एआईसीसी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भीलवाड़ा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। गहलोत पायलट उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है और सहयोगी शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, खास बैठक, कहा जा रहा है कि कई नाम तय कर लिए गए हैं, क्या खबर? अभी निश्चित तौर पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक बीते दिन हुई है और सूत्रों का मानना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत असम, उत्तराखंड को लेकर चर्चा हुई है। इन पांच राज्यों की 60 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें से लगभग कल नेतृत्व ने सीसी ने 40 सीटों को क्लियर कर दिया। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 14 से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर मोहर लग गई है, जिसमें से जालौर सिरोही से वैभव गहलोत, अलवर से ललित यादव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीना, झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह होरा, झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया, बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कस्बा, भरतपुर से संजना जाटव, जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा समेत तमाम नेता शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सूत्रों का ये दावा है कि दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने की, लेकिन ये दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर अब और भी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश की भी बात करें अगर, तो वहां भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जैसी कि पहले चर्चाएं थी कि कांग्रेस हाईकमान ने सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन उसके बावजूद सूत्रों का यह दावा है कि राजस्थान से अशोक गहलोत, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी आज कांग्रेस पार्टी की लिस्ट दूसरी लिस्ट है, कभी भी जारी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि लगभग आधी राजस्थान की सीटें फिलहाल क्लियर हो गई हैं। दूसरी सीसी 15 मार्च को होगी, तो बाकी जो सीटें हैं उन पर 15 मार्च को चर्चा होगी। हाँ, तो प्रत्याशियों की धड़कने अब बढ़ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीईसी की बैठक जो है वो होगी आज दिल्ली में और बताया जा रहा है कि राजस्थान के जो संभावित चेहरे हो सकते हैं उनकी सियासी गलियारों में खूब अब चर्चा होने लगी है। माना यह जा रहा है कि वैभव गहलोत का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि गहलोत और पायलट बताया जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। हालांकि जालौर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली और राजस्थान में ईडी की टीमें अजमेर पहुंची है। पेपर लीक माफिया पर ईडी का ये सबसे बड़ा जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। पेपर लीक सरगनाओं की संपत्तियों पर ईडी जो है वो कब्जा कर रही है, जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। तो आज ईडी अनिल मीणा की संपत्तियों पर भी कब्जा कर रही है, ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अजमेर के भूनाभय में विनायक विहार की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। माफिया अनिल मीणा ने ब्लैक मनी के बेशकीमती संपत्तियां खरीदी है, जिसको जब्त करने की कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है।
तो बेरोजगारों को पेपर बेचकर करोड़ों रुपए का काला धन कमाया गया। 8 से 10 लाख रुपए में बताया गया था कि पेपर जो है उसे बेचा गया था। आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा इसमें मुख्य आरोपी है और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता राकेश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, लगातार ईडी जो है पेपर लीक माफियाओं पर सख्त होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ये जो सरगना है इन्होंने पेपर लीक करके करोड़ों रुपए की काली संपत्तियां कमाई हैं। अब इन काली संपत्तियों को राजसात करना शुरू कर दिया है। ईडी को एडजुकेटिंग अथॉरिटी से मंजूरी मिली है। अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा जो वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहा है, उसके खिलाफ उसकी जो संपत्तियां हैं उन पर अब भारत सरकार कब्जा ले रही है। यानी अब इनको पूरी तरीके से भारत सरकार की संपत्तियां आज बना दिया जाएगा। दिल्ली और राजस्थान की ईडी की टीमें अजमेर पहुंच चुकी हैं और अनिल मीणा से जुड़ी संपत्तियां हैं उन पर आज कब्जा लिया जा रहा है। निश्चित ही जो जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक माफिया ने बहुत बड़े पैमाने पर, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और सख्त से सख्त कार्रवाई भी जरूरी है ताकि आगे दोबारा से पेपर लीक ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। सभी का सीकर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हो चुका है। आज जो है मंदिर के पट बंद रहेंगे ऐसी जानकारी है। शाम 6 बजे तक मंदिर के कपाटों को बंद रखा जाएगा। तिलक और श्रृंगार के लिए बताया जा रहा है कि मंदिर जो है वो बंद रहेगा। तो जो खाटू श्याम दर्शन के लिए जाना चाहते हैं श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही बड़ी खबर यह है, शाम 6 बजे के बाद दर्शन जो है श्रद्धालुओं को मिलेंगे ऐसी जानकारी है। तो सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज शाम के बाद धीरे धीरे मेला भी परवान चढ़ने लगेगा। 21 मार्च तक 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा, लेकिन आज अगर आप दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो शाम 6 बजे के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। और आज से प्रदेश के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, इससे सफाई व्यवस्था का चौपट होना तय माना जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के बाद एक और बड़ी हड़ताल की खबर है। दरअसल संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने मंगलवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया है कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती साल 2018 की तर्ज पर लॉटरी से कर रही है, जिसका उनका संगठन विरोध करता है। होटलों में, ऑफिसों में, ऊपरों पर जो भी कोई कार्य करते हैं वो कल सुबह से ही सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे, सफाई कार्य नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश में करीब 50,000 और राजधानी जयपुर में 8,500 से अधिक सफाई कर्मचारी हैं। इनके हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। वैसे इस हड़ताल में गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। जयपुर समेत तमाम निकायों में इनकी संख्या 5,000 से अधिक है। जो जयपुर नगर निगम में सफाई कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, उस सफाई कार्य बहिष्कार में अन्य समाज के कर्मचारी कतई शामिल नहीं है और इस हड़ताल के हम विरोध में हैं। और अन्य समाज के सभी कर्मचारी आज भी कार्य किए हैं, आगे भी कार्य करते रहेंगे, प्रशासन और सरकार का साथ रहा तो। भले ही गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने हड़ताल से खुद को अलग कर रखा हो, लेकिन इससे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में सफाई कर्मचारियों ने 100% आरक्षण की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जो 5 दिन तक चली थी। इस दौरान जयपुर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी और शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे। महेश दादीज, न्यूज 18 राजस्थान।